वेलकम टू स्टूडेंट्स अवर एवरग्रीन एकेडमी। नाउ इन दिस वीडियो वी लर्न क्लास स्टैंडर्ड 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्ट मैथ्स। नाउ द चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन। सो वी learn from the question number 1. Aptar tell his the daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you, where then the also 3 years from now I shall be 3 times as old as will be present. These situations algebraic and graphically. So in these questions we must be value find x and y in the graphical matter. In chapters we learn three methods, graphical methods, other elimination methods and others eliminations and command. So in questions we learn graphically methods. First of all, we make a equation for our as well as our questions. The first, Aftab tell his daughter, 7 years ago. So suppose we first guess Aftab is his X and his daughter is his Y. Now 7 years ago, yani ki 7, abhi mano ki aapki age hai wo 17 ईयर्स है, तो 7 साल पहले आप कितने साल के हो गए, यानी कि 10, यानी कि आपने 70 में से 10 सब्ट्रैक्शन किया तो 7 आया। तो जब 7 ईयर कोई भी ईयर से गो आए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू आप उसमें से सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। सो द आफ्ताब इज एक्स माइनस 1, देन हिज डॉटर इज वाई माइनस 7, बिकॉज here we written the daughter's is y. Both are equals, so x minus 7 is equal to, देखो अब इसमें दिया क्या कि एज टाइम एज सेव ओल्ड एज 7 ईयर्स टाइम्स, जो उनकी बेटी है उसकी उम्र से 7 गुना उसके पिता आफ्ताब की है, तो दोनों में से छोटा है उसको हमें डिवाइडेड करना या बड़ा है उसको हम छोटा करेंगे तभी वो इक्वल हो गए। मानो कि एक एक साइड 8 है और दूसरी साइड 4 है, तो अगर 4 इज इक्वल टू 4 करना है या 8 इज इक्वल टू 8 करना है तो दो मेथड है। अगर 8 इज इक्वल टू 8 करना है तो इससे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अगर 4 करना है तो आपको 8 से 2 डिवाइडेड करना है। तो इधर दोनों है, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7, दोनों हमने किए। तो ये जो डॉटर की जो एज है वो छोटी है, वो बीच में हमने इक्वल टू लिखा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम जो छोटा है उससे हम डिवाइडेड किया है। तो x ये जो 7 है उस 7 से y के साथ डिवाइडेड किया तो 7y आया, फिर वही 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 49 आया। अब ये जो 7y है वो 7y को लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये 7 है वो राइट टू लेफ्ट ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे कि जो प्लस प्लस है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 की, बिकॉज द माइनस 49 प्लस 7, तो 49 में से हम 7 को सब्ट्रैक्शन किया तो 42 आया। दोनों में से सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो ग्रेटर डिजिट है, रूल्स ऐसा होता है कि जो ग्रेटर होता है उसकी साइन रखता है, मानो कि बड़ों का मान रखे तो 49 का हमने मान रखा तो 42 आया। अब हम आगे जाएंगे कि वो दूसरा कंडीशन दिया है कि आई शैल बी 3 times ओल्ड विल बी रिप्रेजेंट, तो अभी की जो उम्र है उसके बाद 3 साल के बाद, मानो कि आप अभी 15 साल के हो तो उसमें 3 साल ऐड करोगे, 3 साल के बाद आप कितने हो जाओगे तो 18। ऐसी तरह हमने भी इधर अभी की प्रेजेंट एज है सेव एक्स, तो उसमें 3 ऐड कर दिया,
इसकी बेटी यानी कि इसकी डॉटर की उम्र 7 ईयर्स, तो उसके साथ हमने 3 प्लस कर दिया। अब जाके आगे दोनों का इक्वेशन फिर से इक्वल किया, तो जो बड़ा है उसको हमने प्लस मल्टीप्लाई 3 किया, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करो और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन हमने बना लिया। अब यही इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट किसके साथ में के ग्राफिकल मेथड करना है, तो ग्राफिकल मेथड की ये जो दोनों इक्वेशन है वो इम्पोर्टेंट है। अभी ये दोनों इक्वेशन को हम फिर से आगे वैल्यू रखेंगे। अब देखो ये इक्वेशन आ गए, तो यही इक्वेशन को हम जो देखेंगे एक्स की एक जीरो ली और वाई, तो यही इक्वेशन में हम वो वैल्यू डाल देंगे, तो वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 ली, तो जो 0 है तो एक्स 0 हो जाएगा, तो -7y बचा, ये 7y उस साइड गया, तो 49/7 यानी कि इसका आंसर जो आया वो लिखा इस तरह। ये दोनों वही दोनों इक्वेशन में वैल्यूज़ की एक्स और वाई की डाल के इसका क्लासिफिकेशन किया, तो हमें एक वैल्यू मिले। अब इसके बाद हम इसका हम ग्राफिकल्स दौड़ेंगे, वो देख हम इसका ग्राफिकल्स दौड़ते हैं, तो बच्चे देखेंगे कि इधर की कहाँ से क्या दौड़ा। तो देखो एक्स की वैल्यू ली है और वाई की वैल्यू दोनों दिखाई दे रही है, तो मानो कि पहले इसको ये वाला फॉर्मूला एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -42 की जो वैल्यू है वो रखी, तो पहले एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 6, तो वहीं पे एक डाल दिया, दूसरा 7/7 तो इधर 7/7 और इसका हमने एक रे दौड़ दिया। इसके बाद हम दूसरे का जो तो -2 और 0 है, तो 0 पहले का ये 0 वाले एक लाइन ले गए और -2 इस साइड आ गया, तो ये -2 इधर y और 6 0 और इस दोनों के बीच में हमने एक लाइन दौड़ दी, तो ये ग्राफिकल मेथड में हुआ। दोनों इंटरसेक्ट नहीं होते तो इसका और x और y की कोई वैल्यू मिलती नहीं, तो हमें इसका वैल्यू 0 0 मिलेगी। अगर जो कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है तो वहीं पे हमें कुछ मिलेगा, लेकिन इधर कुछ हुआ नहीं, तो इसकी x और y क्या मिलेगा 0 0। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इधर एक्स जे 0 इधर भी एक्स 0, जो दोनों में से एक्स एक्स 0 है, इसमें भी दूसरी वैल्यू डालेंगे तो कभी 0 आ जाए, तो इनका जो वैल्यू है एक्स और वाई की वैल्यू 0 आ जाए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।